हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड पीहू। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम और खांसी का घरेलू उपचार मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा सर्दी खांसी से परेशान है, रात भर सो नहीं पाता है, तो उसके लिए कुछ उपाय मैं बताने जा रही हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल है, इससे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बच्चों पर। तो पहले मैं बात करती हूँ 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए। तो पहले मिल्क और हींग का घोल बेबी के लिए तैयार करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 4-5 चम्मच दूध का लेना है और उसमें बिल्कुल 1 पिंच हींग का डालना है, और इसको थोड़ा सा हल्का गरम करना है इसको गैस पर। तो जब दूध का कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको उतार ले और इसे थोड़ा ठंडा कर दे। जब ये हल्का, बिल्कुल हल्का वार्म रहेगा तो उसको बच्चों के पैरों के तलवे में लगाना है। इसको बच्चे को पिलाना नहीं है, बच्चों के पैरों के तलवे में लगाना है, ये 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए। और उसको ढक देना है, पैरों को ढक देना है बच्चों के। ये ज़्यादा इफेक्टिव तब रहता है जब आपका बच्चा सोने के लिए कर रहा है, जब उस आप उसको सुलाने जा रहे हैं। तो सुलाने जाने के जस्ट थोड़ी देर पहले उसको पैरों के तलवे में बच्चे की लगा दे, और उसके बाद उसके पैरों को ढक करके उस बेबी को सुला दे, तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी, बच्चा इससे सोएगा भी अच्छे से। सेकेंड होम रेमेडी ये है कि आप 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ को ऐड करना है और अजवाइन उसमें ऐड करना है, और इन सब को अच्छी तरीके से गैस पर गरम करें। जब ये थोड़ा गरम हो जाए, लहसुन और अजवाइन जब उसमें पक जाए अच्छी तरीके से ऑयल में, उसके बाद उसको उतार ले, एक छन्नी के हेल्प से उसे छान ले, और जब ये हल्का गुनगुना रहे, ठंडा करके ही लगाएं बट हल्का वार्म रहे, आप टच करके देख लीजिए, बिल्कुल एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए, तो बच्चों के पैरों के तलवे में, बच्चों के नाखून में, हाथ के तलवे में इसे लगाएं, बच्चे के चेस्ट पर लगाएं, बच्चों के पीठ पर लगाएं और बच्चे को ढककर सुला दें। इससे भी बच्चे को सोने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा आराम से सोएगा। ये बहुत हेल्पफुल है, बच्चे को इससे बहुत आराम होता है। बच्चे के सीने में जकड़न है, सो नहीं पा रहा है बच्चा, पेन है, सर्दी खांसी, बिल्कुल इससे बहुत जल्दी बच्चे को आराम होता है। बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो माँ को हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, और साथ में अपनी डाइट में अजवाइन ज़रूर शामिल करना चाहिए। अजवाइन से बच्चे को, बच्चे की डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बच्चे की सर्दी खांसी हर चीज़ के लिए बच्चे को बहुत इफ़ेक्टिव होता है बच्चे के लिए। अब बात करेंगे अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, तो 6 महीने से बड़े बच्चे के लिए आप अजवाइन का पानी बच्चे को दे सकते हैं। चम्मच से 2-4 चम्मच दिन में दें, उसको हल्का गुनगुना पानी उसको दें, और इस पर और एक मेथी का पानी भी आप दे सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सेंधा नमक और सरसों का तेल भी बच्चों के हाथों पर, चेस्ट पर लगा सकते हैं। इससे भी बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, बच्चों की जो नोज़ ब्लॉक रहती है, सांस लेने में, सोने में प्रॉब्लम होता है, इससे भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। सर्दियों में बच्चों को अच्छी तरीके से गर्म कपड़े पहनाएं, जितनी ठंड आपको लग रही है, जितने कपड़े आपने पहने हैं उससे 1 लेयर ज़्यादा कपड़ा बच्चों को पहनाएं। बच्चों को मोज़ा पहनाकर बट नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि उससे इम्यूनिटी पावर वीक होती है बच्चों की। तो बच्चों को कभी भी मोज़े पहनाकर बिल्कुल भी मत सुलाइए। बच्चों को मसाज ज़रूर करना चाहिए, रोज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि सर्दी का दिन है तो बच्चों को मसाज नहीं करेंगे, नहीं, बच्चों को मसाज रोज़ कीजिए, मगर सर्दी के दिनों में रूम बंद करके कीजिए, खुली हवा में मत कीजिए। बच्चों की डायपर टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, बच्चों को रोज़ 1 दिन गैप करके नहलाइए, रोज़ मत नहलाइए, हो सकता है तो स्पंज बाथ बच्चों को दीजिए। इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है घर में तो बच्चे को उससे दूर रखिए। आपका अगर छोटा बेबी है तो घर में किसी को सर्दी खांसी है तो बच्चे को दूर रखिए उससे। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को सर्दी के दिन है तो बच्चों को पानी नहीं पिलाएंगे, बच्चे को हमेशा पानी देते रहें, और ठंडी के दिन में गर्म पानी को आप रख दें ठंडा करके, या गुनगुना पानी बच्चों को पिलाएं, इससे बच्चे को बहुत फायदा होता है। और टाइम टू टाइम अगर आपका बच्चा दूध, माँ का दूध पीता है, तो टाइम टू टाइम उसे आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देते रहें, बच्चे को हेल्दी सूप दे, बच्चे को वेजिटेबल सूप वगैरह दे गरम गरम, बच्चे को
पिलाएं। ऐसे में बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा उतना जल्दी वो ठीक होगा, तो कोशिश कीजिए बच्चा जितना ज़्यादा सोए उसको उतना ही जल्दी आराम मिलेगा बच्चों को। इस टाइम पे बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है, तो आप प्यार से बच्चे को, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बच्चा बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा है, तो बच्चे के पैर के तलवे में हल्का सा विक्स वेपर जो आता है बच्चों का, विक्स वेप बच्चों को वो लगा दे। बच्चों को अगर कफ हो जाता है सर्दी खांसी के टाइम, तो बच्चों की, छोटे बच्चों की कफ हमेशा या तो उल्टी होकर निकलेगा या तो उसके पॉटी के थ्रू निकलेगा। तो बहुत बच्चे को पॉटी हार्ड भी होता है, बच्चे रोज़ पॉटी नहीं करते, क्योंकि उनकी जब तबीयत, जिस टाइम पे सर्दी खांसी रहता है तो बच्चे उस समय खाना नहीं खाना चाहते, दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से पॉटी नहीं होता है, बच्चे का पेट साफ़ नहीं होता है। उस केस में क्या होता है कि बच्चे को उल्टियाँ होने लगती है। तो अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन अगर बच्चा दिन में एक उल्टी कर दे रहा है, एक दो दिन, रोज़ नहीं, एक दो दिन अगर बच्चा उल्टी कर दे रहा है एक दो बार, तो आप उससे घबराइए नहीं, क्योंकि वो उल्टी के थ्रू ही बच्चों का कफ निकलता है। बड़े लोग तो बता सकते हैं कि उनको क्या हो रहा है, मगर छोटे बच्चे नहीं बता सकते, वो कफ उनके चेस्ट में जकड़े रहता है और उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो उल्टी के ही थ्रू वो कफ बाहर निकलता है और उसके बाद बच्चे को थोड़ा आराम मिलता है। सर्दियों के दिनों में बच्चों को रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को रोज़ नहीं नहलाएं, एक दिन दो दिन गैप करके नहलाएं, और कोशिश कीजिए कि वीक में सिर्फ दो दिन उसको सर पर से नहलाएं, या एक दिन सर पर से नहलाएं, शैम्पू कर दिए एक दो दिन, और बाकी दिन जब उसको नहला रहे हैं तो उसके बाल मत भींगाएं, कंधे पे से बच्चे को नहला दें, बच्चे का चेहरा अच्छे से पोंछ दें और कंधे पे से ही बच्चे को नहला दीजिए। अपनी दूसरी वीडियो में जो मेथी पानी और अजवाइन पानी का जो मैंने बताया है, अगर वो आप पहले से ही सर्दियों के दिनों में बच्चे को कभी कभी दीजिएगा, तो उससे बच्चे को सर्दी होने के चांसेस कम रहेंगे, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। और कोशिश कीजिए, अगर आपका बच्चा बड़ा है, 6 मंथ से बड़ा है, 7-8 महीने का है, तो बच्चे को तुलसी अदरक और हनी डाल करके उसमें बच्चे को उसका काढ़ा बना करके उस बच्चे को 1-2 स्पून दीजिए, हल्का गुनगुना गुनगुना, इससे भी बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। अगर बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहना दिए और बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उतना भी बच्चे को मत पहनाइए कि बच्चे को ओवर हीटिंग नहीं हो। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आप देखिए, अगर गर्म कपड़े पहनने के बाद बच्चे का सर या गर्दन चूँकि आप देखिए, अगर बच्चे को पसीना आ रहा है तो एक लेयर कपड़ा बच्चे का उतार दीजिए, ओवर कपड़े भी बच्चे को नहीं पहनाना चाहिए। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।